बॉलीवुड का हर राज जो मचा दे टहलका, फिल्मी गॉसिप्स, सेलिब्रिटी गॉसिप्स और बॉलीवुड की गॉसिप्स, सारे मज़ेदार खबरें सुने यहाँ। जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी स्टारर मुंबई सागा पिछले काफ़ी समय से सुर्खियों में है। यह फिल्म संजय गुप्ता के प्रोडक्शन में बन रही है। इस फिल्म की शूटिंग कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन से पहले ख़त्म हो चुकी है। फिलहाल यह फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर है। अब खबर है कि मुंबई सागा फिल्म को सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्टर्स के मुताबिक जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म मुंबई सागा को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जा सकता है। फिल्म के निर्माताओं और अमेजन के बीच डील पक्की होने की खबर सामने आ रही है। रिपोर्टर्स की माने तो अमेजन प्राइम वीडियो ने मुंबई सागा फिल्म को अच्छी कीमत पर खरीद लिया है। फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई खबर नहीं है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि अमेजन प्राइम वीडियो ने मुंबई सागा फिल्म के लिए डबल डिजिटल फिगर में यह डील पक्की करी है। इसके साथ ही यह भी खबर है कि यह अब तक की सबसे महंगी डील हो सकती है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि मुंबई सागा के निर्माताओं और अमेजन के बीच डील पर अभी भी बात चल रही है। कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि निर्माताओं और अमेजन के बीच बात हो चुकी है और फिल्म के निर्माता अमेजन की ओर से ऑफर किए रकम से संतुष्ट भी है। फिल्म मुंबई सागा अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी होनी बाकी है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेजन प्राइम वीडियो जल्दी ही इसकी घोषणा करेगी। मुंबई सागा फिल्म एक पीरियडिक गैंगस्टर फिल्म है जो 80 के दशक की कहानी पर बनी है। यह फिल्म मुंबई से मुंबई होने पर आधारित है। जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी की यह फिल्म गुलशन कुमार प्रोडक्शन और टी सीरीज के साथ वाइट फेदर फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है। मुंबई सागा फिल्म के निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, संगीता अहिर और अनुराधा गुप्ता है। इसके साथ ही फिल्म को संजय गुप्ता निर्देशित कर रहे हैं। हाल में ही जॉन अब्राहम अपने आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते की शूटिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। हाल में ही खबर आई कि सलमान खान की फिल्म राधे की डील जी स्टूडियोज के साथ हुई। 230 करोड़ में राधे की राइट्स बेची गई है। बताया जा रहा है कि अगर ये खबर कंफर्म हुई तो OTT के सबसे महंगी डिजिटल साबित होगी। अब मुंबई सागा की OTT डील पर फैंस की नज़र रहेगी। क्या ये सबसे महंगी डिजिटल साबित होगी या फिर फिल्म मेकर्स किसी दूसरे प्लान के मुताबिक फिल्म को रिलीज़ करेंगे, ये सब ऑफिशियल जानकारी आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बॉलीवुड लेटेस्ट फिल्मी खबरें और हर छोटे बड़े मनोरंजन समाचार आपको मिलेंगे मेरे चैनल में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।